ग्वालियर से खबर है, पिज्जा नहीं देने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक कैफे पहुंचे बदमाशों ने पिज्जा मांगा था और जब नहीं दिया तो फायरिंग कर दी। देर रात होने पर कर्मचारी नहीं दे पाए थे पिज्जा। पिज्जा नहीं मिलने की वजह से बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से भाग गए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में उनकी ये वारदात रिकॉर्ड हो गई है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये थाना क्षेत्र के पटेल नगर की घटना है। ये इन्होंने फायरिंग की है, पहले पिज्जा यहाँ पर मांगा है और जब नहीं दिया गया देर रात होने की वजह से तब इन लोगों ने फायरिंग कर दी और वहाँ से भाग गए। हालांकि सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। महेंद्र कुशवाहा फोन लाइन पर मौजूद हैं। महेंद्र, क्या इसीलिए विवाद हुआ कि इन्होंने कुछ डिमांड की और नहीं मिला, और अभी पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची? जी बता दूं कि पूरा मामला पिज्जा को लेकर है, जहां पर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल नगर में कार सवार दो बदमाश युवकों के पिज्जा की शॉप पर पहुंचे, कैफे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लेट नाइट 1 बजे पहुंचे थे और वहां पर पिज्जा मांगने की उन्होंने डिमांड रखी थी। लेकिन जो वहाँ की संचालक और कर्मचारी थे, उन्होंने पिज्जा को उपलब्ध नहीं करा सके थे। उनका कहना था कि वहाँ पर जो मशीनें हैं वो बंद कर दी गई हैं और काफी समय हो चुका है, दुकान बंद करने का समय हो चुका है, इसलिए वहाँ उनको पिज्जा उपलब्ध नहीं करा सकते। उसी बात पर नाराज होकर युवकों ने वहाँ पे हंगामा किया, गाली गलौज की, साथ ही जो की बंदूक से उन्होंने फायरिंग भी की है और बंदूक जो सीसीटीवी यहाँ लगा था, सीसीटीवी पूरे दोनों बदमाश बंदूक के साथ अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं, धमकाते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर जब उन्होंने इस बात की शिकायत प्रेम जो कि प्रेम नरवरे हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस ने हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज पर आधार पर दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों अज्ञात बदमाश हैं और जिसकी पुलिस पहचान कर जल्दी गिरफ्तार करने की बात कह रही है। जी धन्यवाद जानकारी के लिए आपका।